अयोध्या में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री व पूज्य संत समाज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों द्वारा राम मंदिर की भूमि पूजन किया गया। इस उपलक्ष्य पर बिलासपुर बजरंग दल इकाई ने अधिवक्ता तुषार डोगरा के नेतृत्व में आज वन विभाग की नर्सरी में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, इस नाते आज वहां प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक वृक्ष लगाया जो वृक्ष भगवान श्री राम को अर्पित किया गया। राम मंदिर के भूमि पूजन के उपलक्ष्य में बजरंग दल बिलासपुर के द्वारा एक वृक्षारोपण वन विभाग के साथ मिलकर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज इसलिए आयोजित किया गया क्योंकि भगवान राम को ये वृक्ष लगाकर यहाँ पर अर्पित किए जा रहे हैं। पूर्ण हिंदू समाज 500 वर्षों की लड़ाई के पश्चात 70वें युद्ध को जीतकर आज अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए पूर्ण हिंदू समाज, भारत के 135 करोड़ जनसंख्या, इसके लिए बधाई की पात्र है। आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हम सभी के समक्ष और एक गौरवान्वित क्षण करने वाला जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आह्वान पर आज रात के अंदर अपने घरों में दीपावली मनाने का जो कार्यक्रम रखा है, 11 दीपक कम से कम अपने घर के अंदर जलाएं और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान से पूरे प्रदेश के अंदर 11 लाख से अधिक दीपक आज रात को जलेंगे और हिमाचल प्रदेश दीपों की संध्या में सराबोर होगा और एक दीपावली के नाते पूर्ण हिंदू समाज और भारतवर्ष इस त्यौहार को आज मनाने के लिए उत्सुक। बिलासपुर से आपका फैसला टीवी के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट।